डेट अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल के आया कि साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक मणि रत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा को दर्शकों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। ओपनिंग डे पर धमाकेदार शुरुआत करने वाली यह फिल्म बीते दिनों बॉक्स ऑफिस पर सुस्त नजर आ रही थी, लेकिन अब वीकेंड के बाद से इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही अब फिल्म को मिली सफलता के बाद इसके दूसरे भाग को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों PS2 की शूटिंग की पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान हो जाएगा। दोस्तों अपडेट निकल के आया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोन्नियिन सेल्वन 1 की शूटिंग के दौरान ही पोन्नियिन सेल्वन 2 की शूटिंग को भी पूरा कर लिया गया था। ऐसे में मेकर्स PS2 को भी जल्द रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि PS2 का अगले साल गर्मियों में रिलीज हो सकती है, जिसकी तारीख आने वाले कुछ हफ्तों में मेकर्स की ओर से तय कर दी जाएगी। फिलहाल निर्माता PS2 के पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल का मूल्यांकन कर रहे हैं। दोस्तों आगे अपडेट निकल के आया है कि PS1 ने 30 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। अब 9 दिन में फिल्म 199.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और अब यह 200 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाएगी। पहले दिन ही 33.15 करोड़ रुपए के साथ धमाकेदार शुरुआत करने वाली फिल्म की 9 दिन की कमाई 9.35 करोड़ रुपए रही है। वही अब वीकेंड पर इसके कलेक्शन में और भी बढ़ोतरी देखने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों आगे है PS1 की बात करें तो मणि रत्नम के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐतिहासिक ड्रामा है, जिसकी कहानी चोल साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास पर आधारित है। इस फिल्म से बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने लंबे समय बाद फिल्म में पर्दे पर वापसी की है। वही फिल्म में ऐश्वर्या राय के अलावा विक्रम, जयरवि, कार्तिक, त्रिशा सहित कई कलाकार शामिल हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।